Today we will start exercise 15A. Exercise 15A of chapter 15 Similarity From Salina Concise for class 10th from question number 70. क्वेश्चन नंबर में बेटा गिवन प्रीति तुझे कहाँ तक करवाया ये चैप्टर स्कूल में सर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया नहीं पूरा तो आएगा ही नहीं एग्जाम में सर लास्ट एक्सरसाइज नहीं आएगा शायद नहीं। तो दो और काफी फिफ्टीन एफ्टीन ए एंड बी है बेटा ओनली यस सर फिफ्टीन ए बी है हाँ फिफ्टीन ए एंडीन बी ये दो एक्सरसाइजेज ही है हमारे स्कूल में तो फिफ्टीन ई e भी करवा दिया है सर और ई में तो, 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 तो कॉमन समझ समझोगे ना हाँ उसमें एरिया रिलेटेड है सर जो एरिया रिलेटेड है उसे कैंसिल कर दिया और जो नॉर्मल है okay. सॉल्व किया था कोई बात

प्रूफ क्या करना है हमने एफ बी अपॉन ईडी किसके इक्वल प्रूफ करना है बीसी अपॉन ईडी बीसी अपॉन ईडी के इक्वल प्रूफ करना है प्रूफ परिधि yes. ये दो साइड्स इक्वल है ना कौन सी ट्रायंगल की साइड्स हैं ये सो ट्रायंगल एफ बी डी एफ बी इज इक्वल टू एफ डी ना ना हो जाएगा तो मैंने थोड़ी मैथ की क्लास शुरू हो गई थी भाई हाँ युविका जी बाबू युविका एफ बी एफ डी के इक्वल है तो आए, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ना वेरी गुड ना हो जो प्रूव करने हैं वहां देखो एफ बी ऊपर वाली साइड देखो दोनों एफ बी एंड बी सी एफ बी डॉट लगा दिया एंड बी सी डबल डॉट लगा दिया कौन सी ट्राइंगल की साइड्स हैं? सर ट्राइंगल एफ बी सी एफ बी सी की एंड एडी एंड ईडी एडी एंड ईडी ई की ना यस सर तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर ऑर्डर एक ट्राइंगल को जैसे मर्जी लिख दो इन ट्रायंगल्स एफ बी सी एंड एफ बी सी खाली सिंगल yes, और यहाँ डबल कर दो डबल आ कर दो ना yes, खाली डबल सिंगल खाली डबल सिंगल एडी e. हाँ एफ बी सी का एंगल वन एडी के एंगल टू के इक्वल रीजन क्या आएगा एंगल Yes, very good. Above. and angle uh, three-four मार्क कर दू यहाँ पे ज्यादा इजी रहेगा फिगर mm. में रीजन yes. क्या लिखेंगे दोनों हमारी क्या हो गई similar हो गई एफ similar सी सिमिलर टू किस रूल से AA से तो इनकी साइड्स क्या होंगी प्रोपोर्शनली इक्वल और जो साइड्स हमें चाहिए प्रूफ करना है वही साइड्स लेंगे हम ए बी फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड ए डी इसके नीचे बी सी सेकंड थर्ड बी सेकंड थर्ड डी ई डी रीजन सीपीएसटी कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हमारा सम कंप्लीट हो गया किसी को डाउट हो इसमें नो no, सर अमनीत अमनीत बेटा सिमिलरिटी चैप्टर किया है थोड़ा बहुत हाँ जी सर थोड़ा सा किया थोड़ा सा किया सिमिलरिटी रूल्स पता है बेटा आपको हाँ जी सर ओके फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर तो समझ आ जाएगा ओके okay, सर आज तो महक पटेल भी आ गई महक पटेल पार्टी सर आ जाइए आप हाँ ऐसे कैसे आ जाइए जिसकी मम्मी सरपंच बनी है सर आपने इससे पहले कौन सा चैप्टर करवाया और चैप्टर पता नहीं कौन-कौन सा करवा दिया रिफ्लेक्शन ग्राफिकल सॉल्यूशन बस यही दो किए हैं ना सर इतना नहीं आती है क्यों मन नहीं लग रहा सर वो आज है नहीं ना इसलिए अच्छा उसके ना एग्जाम चल रहे हैं द रीजन सर जी सर आप एम एल से कब करवाएंगे जब तू बोलेगी तब करवा देंगे बोलो कब करवाएं? सर भी, भी आपको टाइम हो अच्छा

ओके okay, सर हाँ जी किसी ने पूछा किस तो ऐसे कैसे आएगा इतने दिन तूने मिठाई खाने में लगा दिए जीतने की खुशी में तो समझ कहां से आएगा कोई बात नहीं आ जाएगा धीरे धीरे गिवन एंगल क्यू नाइंटी क्यू एम पेंडिकुलर टू पी क्यू ये चैप्टर ऐसा है बेटा अगर एक लेक्चर भी इसका मिस करते हैं ना तो समझ नहीं आ, आता ये ठीक है ना टू प्रूव हमने थ्री पार्ट्स करने हैं बेटा पहला पार्ट है पी क्यू सेकेंड पार्ट क्यू आर इक्वल पी आर इंटू एम आर और थर्ड पार्ट पी क्यू स्क्वायर प्लस के स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर ये तीन पार्ट्स हैं एक्चुअल में ये पाइथागोरस थ्योरम है हम हम ठीक है ये आर है सॉरी यहाँ आर था बेटा नाइन्थ क्लास में की थे ना पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर किया था किसी किस ने किया था Yes, सिन्ण। 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 था। और थ्योरम की थी पाइथागोरस थ्योरम यस yes, सर yes, वही है वही सेम है ये है ना? आ चलो अनामिका कौन सी दो तो? ट्रायंगल्स में आ रही है बेटा ये। पी क्यू एम एंड पी क्यू आर वेरी गुड मतलब ये छोटी ट्रायंगल इस पूरी बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर करनी है कैसे होगी एंगल पी एंगल पी के इक्वल देखो स्मॉलर ट्रैंगल में भी पी एंगल है बिगर ट्रैगल में भी पी एंगल है तो कॉमन एंगल हो गया ना एंड पी एंगल पी एम क्यू ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल एच नाइनटी यस सर यस सर तो इन ट्रांगल पी एम क्यू एंड पी क्यू आर एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी दिस इज कॉमन इसका एंगल वन इसके एंगल पी के इसकी is कमी थी तो so, ट्रैंगल क्या हो गई पीएम के ऊ सिमिलर हो गई ट्रैंगल पी के ऊ आर के बाई विच रूल ए रूल से, यस सो नो यस सर। पी एम क्यू सिमिलर टू पी क्यू आर तो इनकी साइड्स क्या होंगी प्रोपोर्शनली प्रपोर्शनलीक्वल होंगी ना पी एम फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड पी क्यू पी क्यू फर्स्ट थर्ड फर्स्ट थर्ड पी आर तीसरी साइड लेने की जरूरत नहीं है रीजन सी पी एस टी इस पेज को बेटा मैं फाड़ लेता हूं क्योंकि तो नेक्स्ट पेज फिगर में फिर इजी हो जाएगा मुझे बार बार ऊपर तो नीचे नहीं करना पड़ेगा हमारे पास ये आ गया बेटा यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बोला बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो पी के ओ पी के से मल्टीप्लाई होके पी के बन जाएगा इक्वल पी एम पीआर टेक पी आर इट एज फर्स्ट इक्वेशन नाउ फिगर बेटा आपके सामने है इसको मैं थोड़ा सा फोल्ड कर लेता हूं थोड़ा सा इजी हो जाए अब देखो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया टू प्रूव में देखो फर्स्ट पार्ट लिखा था सेकंड पार्ट में क्यू आर चाहिए तो अनामिका क्यू आर जो साइड है वो कौन सी ट्रेंग, दो ट्रेंगल्स में आ रही है सर आर क्यू एम एंड आर क्यू पी बिगर ट्रेंगल और ये स्मॉलर ट्रेंगल इस स्मॉलर यहाँ टिक लगा दी इस ट्रेंगल का बेटा आर एंगल बड़ी ट्रेंगल के आर एंगल के इक्वल है यस yes, sir. एंगल. इस ट्रेंगल का एंगल टू इस कंप्लीट एंगल के इक्वल है टीच तो यहाँ पे प्रॉपर वे से और दूसरी ट्रैंगल का ऑर्डर क्या बनेगा जल्दी बोलो ना क्यू पी वेरी गुड बहुत अच्छी बच्ची है ये बोलती कम है का मैं बस है ना अनामिका नहीं सर बोलती हूँ कहा मुझे तो कभी कभी सुनाई देती है तेरी आवाज सर आप कभी कभी पूछते हो मैं तो पूछता बहुत कम से हूँ बाकी बाकियों से भी कम पूछता हूँ बाकियों की आवाज तो आती है ना यस सर अच्छा कोई बात नहीं हाँ मैंने सीधा ही लिख दिया चलो सिमिलर कर लोगे ना बेटा ये yes, यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल आर इज एंगल आर अनामिका ने बात तो मैं लगा लिया हमें ठीक है बाहर each ninety तो triangle R M के U similar हो जाएगी बेटा R के U P के बाय A A से तो उसके बाद ये चीज आ जाएगी C P S चीज मतलब ये समझ गए ना पहले ये लिखनी है दोनों लाइन तीनों lines फिर ये लिखना है यहाँ क्रॉस करेंगे बेटा R के U को R के U से करेंगे R के U स्क्वायर R के U को मैं K U R लिख दूँ एक ही बात है तो। आर केओ लिखो चाहे केओ आर लिखो किसके इक्वल पी आर टू आर आर एम इनटू आर पी या एम आर इनटू पी आर एक ही बात है ना मैंने क्यों लिखा पी आर आर एम आर क्योंकि यहाँ पे जो प्रूव करना था बेटा उसमें ये था दिस इज द सेकंड इक्वेशन अब देखो थर्ड पी के स्क्वायर प्लस केओ आर स्क्वायर चाहिए ये दोनों लेफ्ट साइड इसकी पी के स्क्वायर है इसकी केओ आर स्क्वायर है दोनों को ऐड कर दो Adding equations first and second PQ square plus QR square जिसके equal PM into PR plus MR into PR अब इसमें और इसमें क्या common है PR common है क्या बच बचिया PL plus MR PR as like यहाँ देखिए figure में PM plus MR क्या बनता है क्या बन रहे हैं अनामी का पीआर देखो पीएम ये रहा एम आर ये रहा दोनों को ऐड किया पीआर बन गया पी के स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर तो पी के स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया पी आर स्क्वायर के ये प्रूफ करना था हमने आ गया समझ यस सर किसी को डाउट हो बेटा इस सब में नौवन? हर्ष समझ आ रहे हैं yes, आस्था योदिका यस yes, सर यस सर, महक पटेल को नहीं आ रहा है ना महक पटेल भाग गई शाबाश चलो हाँ जी नेक्स्ट ने बेटा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन नाइनटीन में बेटा इन ट्रैंगल एबीसी एंगल बी नाइनटी देखो फिगर इज मस्ट विदाउट फिगर यू हैव टू स्कोर जीरो मार्क्स एंगल बी नाइनटी बी डी एबीसी है ना ट्रैंगल बी डी पर पेंडिकुलर टू ए सी परपेंडिकुलर है सी डी की वैल्यू टेन की वन है ये टेन है बेटा बी डी एट है फाइंड AD, AD फाइंड करना है चलो पहले पार्ट के लिए सिर्फ फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम ये बताइए बेटा इस स्मॉलर ट्रायंगल का पार्ट है स्मॉलर ट्रायंगल का पार्ट है मैं इसको एक्सलेट कर लू बोलो कर लू एक्सलेट yes, ये छोटी ट्रैंगल इस बड़ी ट्रैंगल के सिमिलर करेंगे बेटा या एक काम और कर सकते हैं अगर हम ये छोटी ट्रैंगल पूरी बड़ी के सिमिलर कर दें तो भी आ जाएगा कैसे उसके लिए हमें बीसी फाइंड करना पड़ेगा ये स्मॉलर राइट एंगल ट्रैंगल में ये नाइनटी है ना मैं प्रूफ सीधा ही शुरू कर रहा हूं तो अदिति जी बेटा yes, जी यस सर इसे कैसे फाइंड करेंगे बता सकते हो सर बाय पाइथागोरस थ्योरम कौन सी ट्रायंगल में सर बीसीडी वेरी गुड इन राइट एंगल ट्रायंगल बीडीसी वीडीसी ये ना मेरे छुपे रुस्तम है बीच में जो कुछ नहीं बोलते अदिति नहीं बोलती अनामिका नहीं बोलती बट इनको समझ परिधि तो बिल्कुल ही नहीं बोलती है ना परिधि प्लस सी डी स्क्वायर सातवी रीजन थ्योरम देखो 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है तो बीसीट हाइपोटेन्यूज है ट्रायंगल में नीचे वाली में। बीसी स्क्वायर एज लाइक बी डी हमारे पास एट है एट का स्क्वायर फोर सी डी टेन है टेन का स्क्वायर हंड्रेड तो बी सी इक्वल आ गया वन इक्वल आ गया और नो नाउ ये छोटी ट्राइंगल बेटा ये एंगल सी कॉमन ये 90 is नाइनटी के इक्वल इन ट्राइंगल्स बी एंड सी बी ए सी डी बी का एंगल सी सी बी ए के एंगल सी के इक्वल दैट इज कॉमन सी डी बी एंगल सीबीए के एंगल के इक्वल दैट इज एच नाइनटी डिग्री तो ट्रैंगल क्या हो गई दोनों सिमिलर हो गई सी डी बी सिमिलर टू ट्रैंगल सी बी ए बाई विच रूल आ, ए ए रूट ट्राइंगल सिमिलर तो इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल इक्वल होंगी सीडी अपॉन सी बी सी बी अपॉन सी एस टी अब सी डी की लेंथ टेन गिवन है हमें टेन लिख देंगे या एक काम करते हैं पहले क्रॉस कर लो ज्यादा इजी रहेगा सी बी इंटू सी बी सी बी इज बीसी स्क्वायर ना सीबी और इज द सेम थिंग Yes. इसके इक्वल सी डी इंटू सी ए बी सी स्क्वायर की वैल्यू मैंने ऑलरेडी फाइंड कर ली है 164 सी डी की वैल्यू 10 सी ए सी ए यहां तक 10 प्लस एक्स आ गया ना यस yes. तो 10 प्लस एक्स क्योंकि हमने एक्स फाइंड करना था एडी फाइंड करना था उसको एक्स कर लिया था 164 100 Plus +x ठीक है दीपी नो सर 10x ओए पता है तेरे को यस सर वेरी गुड 10x अब पता चलने लग गया कि सर ये ऐसी गलतियां करते हैं जानबूझ के है ना यस सर 6.4 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ x x क्या था ad देयरफॉर ad 6.4 सेंटीमीटर समझ आ गया बेटा यस सर है मैं पांच मिनट पहले ज्वाइन करी क्योंकि लाइट गए थे तो मुझे वापस ज्वाइन करना पड़ा uh, मतलब ज्वाइन अभी ज्वाइन करना पड़ा हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं सिमिलरिटी बेटा फिफ्टीन ए एक्सरसाइज ठीक है सर ठीक है बाकी कोई बात नहीं बेटा मैं वीडियोस अभी रेगुलरली अपलोड कर दिया करूंगा क्योंकि बीच में मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी नाउ सेकेंड एंड थर्ड पार्ट बेटा खुद ट्राई करोगे उसके लिए अलग से फिगर उसके लिए अलग से फिगर ठीक है जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किए हैं वैसे बाकी पार्ट्स भी करने हैं कर लोगे यस नाउ द सम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इन फिगर पी क्यू आर एस सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं यहां से इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो इसको इसके साथ ज्वाइन कर दो यहां पे एल पॉइंट है यहां एम पॉइंट है यहां पी क्यू आर एंड एस यहां पे एन पॉइंट सबसे पहले गिवन क्या है वो लिखेंगे हम यहां लिख देता हूं बोटा मैं गिबन पी क्यो आर ऐसी पैरलोग्राम तो इन पैरलोग्राम ये पेरलोग्राम का सिंबल होता है इन पैरोग्राम पी क्यू आर एस मतलब हमने गिवन में लिख दिया कि ये पैरोग्राम है विद पी क्यू इज इकल टू सिक्स टू टेन सेंटीमीटर एल इज ए पॉइंट ऑन पी आर पी आर पी एल पॉइंट है सज दैट आर एल अपॉन एल पी रेशो दिया था मैंने अपॉन में लिख दिया टू रेशो थ्री आर एल ये वाला पार्ट एल पी ये वाला पार्ट अपॉन है अगर ये टू सेंटीमीटर है तो ये थ्री है ये फोर है तो ये सिक्स है ये है तो ये नाइन है रेशो है मतलब क्यूएल प्रोड्यूस क्यूएल को प्रोड्यूस किया वो प्रोड्यूस पीएस को एन पे कट कर रही है टू फाइंड फाइंड क्या कुछ करना है एक तो पी एन फाइन करना है और दूसरा आर एम फाइन करना है And ये दोनों पी एन देखो कहां पे है पी एन तो ये रहा जो मैंने अभी डबल की है यही है ना आर एम <coughs> ये रहा तो अब क्या we वट वी कैन डू आर एम सेकेंड क्यों आर जो गिवन था पी क्यू गिवन है ये टेन की गिवन है।, है और ये टेन गिवन है अगर मैं ये छोटी ट्रायंगल ये छोटी इसके करती है तो ये नहीं आएगा हमारे पास नहीं आएगा ना सर एक सेकंड रुक जा ये भी टेन आ जाएगा बेटा जैसा नौ यस अः इसको मैं एक्स ले लूं, आर को। यस। आर एम को एक्स ले लिया तो एम कितना होगा एक मिनट बोलना नहीं है अमनीत एम की वैल्यू क्या आएगी बेटा तो पता नहीं चलो आर तो बता दो फिगर दिख रही है ना बेटा Yes, आर शिक्टीन, शिक्टीन. Yes, sir, तो की वैल्यू कितनी होगी अभी तो तेरे को पता नहीं था अब तेरे को पता भी चल गया सर होना तो कंफ्यूज हो होगी क्योंकि सर मैंने शुरू से ही ना किया ये प्रिपरेशन अच्छा क्या आदत बनी हुई है ये बस नहीं दिमाग नहीं यूज करना नहीं सर नहीं कोई बात नहीं बठिंडा कब आ रहे हो सर नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर आओगे ओके नहीं बठिंडा में घर है कि रेंट पे रहना है सर प्लॉट लिया सर अभी लिया कौन से एरिया में सर uh, शीश महल में शीश महल में शीश महल में ओके वेरी गुड हाँ जी आर ये रहा बेटा एसएम कितना आ गया 16 माइनस एक्स आ गया अब आगे क्या है बेटा <laughs> आ गया हाँ अगर बेटा मैं ये इसको वाई ले ले बोलो ये वाई ले ले बेटा यस सर ले लो ले लिया तो अब किसी ने बोला था ले लो सर मैंने हाँ जी हर्ष तो बताइए बेटा हम क्या करें कि हमारे पास एक्स और वाई आ जाए वट वी कैन डू क्योंकि x आएगा तो rm आएगा y आएगा तो उसमें tan ऐड कर देंगे pn आ, आ जाएगा तो x एंड y हम कैसे फाइंड करें ये बताओ मुझे अब बता सकता है बेटा कोई फास्ट इट एंड मी एनीवन एल्स सुहा। सर हमने 16 x और x लिया तो फैक्टराइजेशन नहीं बेटा फैक्टराइजेशन कहाँ से होगा वो तो बाद में पता चलेगा ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा यस सर ठीक है सर हां ट्रायंगल सिमिलर करनी कौन सी डिफरا वो तो मुझे ही पता है सिमिलर करनी है पर कौन सी करें सर Q R M N P -M. नहीं नहीं सर सिर्फ P L N वाले में नहीं होगा सिमिलर बेटा ये छोटी ट्रायंगल इस छोटी ट्रायंगल के सिमिलर करेगी क्योंकि हम इस चीज को भूल रहे हैं इस चीज को देख ही नहीं रहे कि ये भी गिवन है हमें ठीक है ये छोटी yes. ट्रायंगल बेटा जो मैंने अभी डार्क की है इस छोटी ट्रायंगल के सिमिलर कैसे होगा वो देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये एंगल इस एंगल के इक्वल वर्टिकली

रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये भी यूज कर सकते हैं ऑल्टरनेट या वर्टिकली भी यूज कर सकते हैं एंगल आर एल एम इज इकू एंगल पी एल क्यू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो ट्रैंगल आर एल एम सिमिलर टू ट्रैंगल पी एल क्यू बाई ए ए रूल तो इनकी साइड क्या होंगी प्रपोर्शनली इक्वल होंगी ना आर एल के नीचे कौन सी पी एल एल एम एल एम नहीं चाहिए छोड़ दो आर एम चाहिए आर एम अपॉन पी क्यों तीसरी साइड भी लिखी लो जरूरती नहीं है जरूरत ही नहीं है छोड़ो सीपीएस अब आर एल अपॉन एल पी हमारे पास टू अपॉन थ्री है ऑलरेडी तो ये इसके प्लेस पे टू बाई थ्री लिख देंगे आर एम एक्स है पी के सिक्सटीन है तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई टू बाई थ्री सिक्सटीन ऊपर चला गया थर्टी टू बाई थ्री सेंटीमीटर एक्स इज इक्वल टू आर एम हमारा एक पार्ट आ गया अब हमें वाई फाइंड करना है तो वाई के लिए ये ट्राइंगल्स बेटा ये वाली ट्राइंगल दिख रही है सबको ऑल ऑफ यू ये ट्रैंगल और ये ट्रैंगल ये दोनों सिमिलर करेंगे कैसे ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल वन टू मार कर देता हूं मैं यहां पे और ये वाला एंगल इक्वल? Okay? Yes, इसके इक्वल ओके बाद इन ट्रायंगल्स आर एल क्यू एंड पी एल एन आर एल क्यू का एंगल वन इसके एंगल टू के इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड एंगल थ्री इज टू एंगल फोर थ्री एंगल फोर के इक्वल दिस इज आल्सो सेम डू लिख दू मैं कि वही रीजन तो ट्रगल आर एल क्यू सिमिलर हो गई पी एल एन के बाय से तो इनकी प्रोपोर्शनली इक्वल आर एल अपॉन एल पी ये तो क्योंकि इसका यूज तो करेंगे ही करेंगे ना पी एल या एल पी एक ही बात है इसके इक्वल पी एन तीसरी साइड नहीं चाहिए हमें सीपीएस आर एल अपॉन एल पी टू रेशो थ्री है आर क्यू टेन है तो अमनी पी एन कितना है यहाँ पे फिगर है ना तुम्हारे सामने अमनीत यस सर पीएन दिख रहा है बेटा फिगर में यस yes, सर कितनी वैल्यू है पीएन की सर वाई प्लस टेन वेरी गुड बिल्कुल सही है टेन प्लस वाई क्रॉस करो टू से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा ट्वेंटी प्लस टू वाई थ्री से करेंगे टेन को थर्टी अब टू वाई अपने प्लेस पे थर्टी ट्वेंटी साइड जाके माइनस हो गया टू वाई की वैल्यू टेन वाई की वैल्यू टेन अपॉन टू फाइव अब हमने पी एन फाइन करना था देयर फोर पी एन वैसे हम वाई ना भी लेट करते ना पीएन को पी एन ही रख लेते तो भी आ जाता आंसर, ठीक है समझ आ गया हांजी प्रा। सर बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है। बेटा देखो इसको फिर से मैं करवाऊंगा क्योंकि मुझे खुद को पता है मैं मतलब पूरे डिटेल में समझ क्यों करवा रहा हूं इसीलिए करवा रहा हूं कि ये समझ आ जाए बहुत स्लो चल रही है तो स्टार्टिंग में ही बोला था कि इसको कोई लेक्चर मिस ना करो अभी तरबिया अभी देखो अभी आ रही है 7:40 पे है ना तरबिया सॉरी सर आई वाज नॉट वेल क्या हो गया तेरे को ज्यादा सर फीवर बहुत ज़्यादा था अभी दो तीन दिन से अब ठीक है उस दिन भी मैंने आपको बताया तो फिर यस yes, फिर मैं ट्विंग करने वाली थी बट ठीक ही अच्छा चल कोई बात नहीं रोना नहीं है बस ठीक है यस <laughs> सर yes, हाँ जी इन क्वारिलेटरल ए डी डायग्नल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ई अब क्वारिलेटरल बोला है बेटा क्वारिलेटरल बोला है ना तो इन्होंने कोई ऐसा नहीं दिया कि ये ट्रेपीजियम अच्छा शो करना है ट्रेपीजियम शो करना है तो ट्रेपीजियम शेप फिगर बना लो पर ट्रेपीजियम गिवन नहीं है ए बी सी डी डायगनल ए सी एंड बी डी इंटरसेप्ट ईच अदर एट ई सच दैट और क्या गीवन है ए ई रेशो रेशो को मैं अपॉन में लिख दूंगा बेटा ई सी इक्वल किसके बी ई रेशो ईडी ये की बन है देखो एन ईसी बीई अपॉन ईडी ये दोनों ट्रैंगल क्योंकि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल वन एंड टू मार्क कर दिया मैंने वर्टिकल अपोजिट एंगल तो ट्रैंगल्स क्या हो गई सिमिलर हो जाएंगी ना दिस इज अम आया समझ यस सर तो प्रूफ में शॉर्टकट में करवा देता हूँ बेटा मैं दिस ये चीज उठा लेंगे और वन टू के इक्वल तो मैं सीधा शॉर्टकट में लिखूंगा ट्रायंगल ए ई बी सिमिलर अपने आप करोगे सॉरी सी ई डी के एस एस रूल से कर लोगे सर हो जाए हाँ सिमिलरिटी करवा रहे हो नहीं उसका भूत करवा रहा हूँ <laughs> सर सिमिलरिटी इंसान थोड़ी है अच्छा तूने वो देखा है मैंने तो देखा नहीं सर अभी तक तो नहीं देखा और देखने को कोई मूड भी नहीं इंसान है। होता है सर इंसानों से ही भूत बनते हैं ना अच्छा इसको ना चैन निराज तभी आ गई है हो गया सर तैयारी होगी मेरी इसलिए आ गई मैं तीन बजे से बैठी हूँ सर ए ई बी सी ई डी सिमिलर हो जाएंगी तो ये वाला एंगल बेटा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा थ्री मार्क कर दिया यहाँ फोर मार्क कर दिया इसका फोर एंगल इसके थ्री एंगल के इक्वल C P S G परस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल ठीक है इफ्रा यस सर बड़ी ये कौन से एंगल्स हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हमें लाइन पैरल नहीं गिवन थी नहीं तो मैं सीधा थ्री फोर लिख लेता मैंने क्या किया ट्रैंगल सिमिलर की डी एंगल थर्ड पोजिशन पे थर्ड एंगल है ठीक है यहाँ बी फोर फोर और सी इक्वल हो गई यहाँ एक लाइन मेंशन करेंगे बट दीज आर ऑल्टरनेट ओहो आर की स्पेलिंग भूल जाता हूँ मैं आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स So therefore, AB parallel to CD. Hence, जब ये line parallel हो गई, एक पैर opposite side का parallel हो गया ना? Hence, ABCD is a trapezium. हो गया प्रूफ यही प्रूफ करना था ठीक है समझ आया

हाँ जी नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इन ट्रेंगल एबीसी जैसी मर्जी ट्रेंगल बना लो यह बना लीजिए ए बी सी ए डीज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी ए डी बीसी एडीबीसी परपेंडिकुलर है एंड एडी गिवन क्या है हमें वो देखिए बेटा एडी स्क्सी की बन है एंड एडी पर पेंडिकुलर टू बी सी बन है यह दो चीजें टू प्रूफ ये वाला एंगल नाइनटी प्रूफ करना है वी हेव टू प्रूफ एंगल बी एसी इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री प्रूफ हाँ, 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 एक सेकेंड किससे चिन्मय सिन्हा जी yes. क्या पटाखे चला रही है हाँ जी चिन्मय सर ये फोन लगाया सर अच्छा मुझे ये बता तू गायब कहाँ थी इतने दिनों से सर जी मेरे यूटीज़ आ रहे थे कल भी है चलो तू तो और यार बाबाजी निकाल रही है छोड़ो गीतांजलि बस बस, बस 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 बाद में बातें करेंगे तेरे से गीतांजलि यस yes, सर हां जी सर मुझे ये बताओ ये एंगल 90 प्रूव करना है नाइन्थ क्लास की है गीतांजलि यस yes, सर किसी एंगल को 90 प्रूव करना था तो क्या लगाते थे हम सर आरएचएस हाँ आरएचएस क्या होता है नाइंटी प्रूफ करना है बेटा मैं सिमिलर की बात नहीं कर रहा मैं सिंपल एक चीज पूछ रहा हूँ कि नाइंटी एंगल कुछ याद करो अपने दिमाग पे प्रेशर डालो नाइन्थ क्लास में कभी एंगल को नाइंटी प्रूफ किया था यस सर किया था मगर याद नहीं आ रहा है चलो इब्शिता बताएगी हमें सर पूरा प्रॉपर याद नहीं है बट आई गेस कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस लोग आते थे आ, ये भूत नहीं है सब कुछ आपको कुछ याद रहता है इसको यस कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस लगाते थे बेटा राइट एंगल गिवन होता है तो पाइथागोरस लगती है नाइनटी प्रूव करना है तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस ठीक है मतलब अगर मैं बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्रूव कर दूं तो ये एंगल नाइनटी हो जाएगा ना Yes, तो yes, गीतांजलि सिंह जी मुझे इस ट्रायंगल में ये ये भी 90 एंगल है ना दिया हुआ yes, तो है हमें यस सर तो गीतांजलि एडीबी प्रॉपर लिख दिया मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी एडी स्क्वायर किसके इक्वल होगा सर एडी स्क्वायर सर स्क्वायर स्क्वायर प्लस मैंने कुछ और सोच रहा हूँ कि वो चीज आ जाए एडी स्क्वायर तो गायब हो जाएगा उससे uh, 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 uh. अगर मैं ए सी स्क्वायर निकालता हूँ एडी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर तो बी डी स्क्वायर ठीक है सही है Uh, आप एक काम करो एडी स्क्वायर रहने दो ए बी जी कहा गायब हो गई हेलो सर हाँ आवाज बंद yes. हो गई थी तेरी ए बी स्क्वायर किसके इक्वल सर a d square 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 yes plus uh, plus b b b b sorry sir by using pythagoras theorem तो कहाँ पे सर यूपी में यूपी में आजमगढ़ लखनऊ से आगे है Yes, sir, ये sir. मेरी क्लासमेट है किसकी नामिका की मेरी यस yes, सर तेरे को पता नहीं था पहले सर पहले ध्यान नहीं दिया फिर बाद में पता चला कब पता चला sir, कुछ दिन पहले अच्छा तेरी क्लासमेट ही है शाबाश yes, मतलब तेरी क्लासमेट है और तेरे को दो तीन दिन या कुछ दिन पहले ही पता चला है कि ये मेरे में तो है डिफरेंट है मेरे तो क्लास में नहीं है लेकिन बैच सेम है ओके फिर ठीक है फिर हो सकता है इस में, इन में ए डी सी ए सी स्क्वायोधिका अयोधिका

और एडी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर क्या बन जाएगा टू एडी स्क्वायर हो जाएगा ना सही किया मैंने इप्शिता भागी वो नहीं सर इधर ही हूँ हाँ बताओ सही क्या श्योर सही क्या हाँ सर सही किया चलो ए बी रखा ए सी को ए सी रखा बीडी स्क्वायर को बी डी स्क्वायर रखा सी डी स्क्वायर को सी डी स्क्वायर रखा टू को टू रखा एडी स्क्वायर हमें ये दिया हुआ है BD DC. अब बोलना नहीं है किसी ने जिससे मैं पूछूंगा वही बोलेगा युविका युविका बोलना पड़ेगा बेटा चलो नहीं बोलना ना क्वेश्चन पूछा करूं तेरे से टाइम वेस्ट करते हैं फिर हम तो यस yes, रोना नहीं है yes, नहीं पूछता yes, मैं ये क्या बन गया ये क्या बन गया देखो दिमाग लगाओ yes, सब बीसीडी बीसी सर मैं बोलूँ ना no. त्रिशा बोले ही बोलेगी और किसी ने नहीं बोलना त्रिशा बोलेगी अब तो बोल दे इतना बड़ा हिंट दे दिया सब बीसीडी का यस स्क्वायर सर पता नहीं चल रहा <gasps> हुई, ये बनेगा है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी मैं इतना बड़ा हिंट तो दे रहा हूं दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अब ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज लाइक फिगर में देखो बी डी प्लस सी डी क्या बन गया सर बी डी प्लस सी डी में भी फिगर हाँ सर ट्रायंगल क्या Yes. बीसी का स्क्वायर एबी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर आ गया तो yes, इप्षिता, इप्षिता ने हमें बताया था converse converse Ithavoders. Ithavoders. Yes, एंगल बी ए सी क्या हो गया नाइन्टी हो गया yes, यही हमने प्रूव करना था आया समझ यस yes, सर चलो 8 20 हां सर कनवर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हां तो पाइ कैनवर्स ऑफ पाइथागोरस लिखा है सर हो गया हां जी सर आपने तो लास्ट वीक सिखाया है उसके आप वीडियोस भेज दोगे प्लीज लास्ट में तो बेटा मैंने दो दिन डाउट क्लासेस थी उसमें उसकी वीडियो नहीं बनाई मैंने

ठीक है ओके सर ओके सर सर बोल रही थी क्या कि आ, सर, कल भी मैं सर, इरेगुलर रहूंगी सर फिर मैं सर थर्सडे से रेगुलर रहूंगी सर कोई बात नहीं मैं तो भी अब रेगुलर ही ओके ओके सर थैंक यू सर सर ये गलत okay, okay. बात है आप कोई बात नहीं अब दो तीन दिन छुट्टियां मार लो कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्वेंटी तक बीच में हाँ हाँ तो मैं अच्छा नहीं लगता ना ठीक है सर अच्छे लगने की बात नहीं है अब पेपर है ना हाँ हाँ ऐसे करते हैं सारे चलो सर राशि राशि हाँ जी मोटो पेपर कैसे हुआ सर अच्छी है अच्छी थी मतलब अच्छी थी पक्का यस सर था नहीं सर क्यों सर खराब नहीं गई पेपर अच्छी गई अच्छा चलो ठीक है बेटा ओके बाय कल मिलते हैं फिर सरा, थाँगा। सरा, थाँगा। सरा, थाँगा। 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 सर आप सर आप इसके वीडियोस डाल दो ना डालता हूँ बेटा आज डाल देता हूँ ओके बाय बेटा